एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुकिंग चूल्हा में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक चटनी रेसिपी। आज की रेसिपी है पीनट की चटनी यानी मूंगफली की चटनी। अगर आपको जानना है सही तरीके से पीनट चटनी कैसे बनाते हैं तो ये रेसिपी वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पीनट की चटनी। पीनट चटनी रेसिपी को बनाने के लिए अब हमें यहाँ पर एक पैन को अच्छे से गर्म कर लेना है। जब पैन हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर हमें यहाँ पे डालनी है मूंगफली। ये एक बाउल मैंने यहाँ पे कच्ची मूंगफली ली है, ये करीबन 100 ग्राम के आसपास है। अब हमें यहाँ पे मूंगफली को भूनना है। तो मूंगफली को हम इस तरीके से मिक्स करते हुए एक अच्छी सी खुशबू आने तक इसे हम बिल्कुल धीमी आँच पर भून लेंगे। अगर आप पीनट चटनी को बनाने के लिए भुनी हुई मूंगफली का यूज़ कर रहे हैं तो आप इस स्टेप को यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे पीनट यानी मूंगफली को बीच बीच में चलाते रहना है। तो मैंने यहाँ पे मूंगफली को अच्छे से भून लिया है। इसे भूनने में करीबन 7 से 8 मिनट के आसपास टाइम लगा है। अगर आप मूंगफली को बिल्कुल धीमी आंच पे भूनते हैं तो ये 8 मिनट के आसपास टाइम ले लेती है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और मूंगफली को एक प्लेट में निकाल के इसे अच्छे से पहले हम ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम मूंगफली के जो बाहर का छिलका है उसे हम हटा लेंगे। पीनट की चटनी को बनाने के लिए अब हमें यहाँ पे एक पैन में 1 चम्मच तेल को अच्छे से पहले गर्म कर लेना है। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर हमें यहाँ पे मिलाना है जीरा। ये 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा मिलाया है। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलानी है लहसुन। ये 3 से 4 कलियाँ लहसुन के लिए हैं जिसे मोटा मोटा काट लिया है। फिर हमें यहाँ पर मिलाना है अदरक। ये 1/2 इंच अदरक लिया है, इसे भी मोटा मोटा काटा है। फिर हमें यहाँ पर मिलानी है प्याज। ये 1 छोटे साइज की प्याज ली है। प्याज को मैंने लंबे और मोटे मोटे शेप में काटा है। फिर हमें यहाँ पे मिलानी है हरी मिर्च। ये 2 हरी मिर्च ली है और हरी मिर्च को भी मोटा मोटा काटा है। अब हम प्याज को यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि प्याज हमारा हल्का सा ट्रांसपेरेंट नहीं होता, इसे हम भून लेंगे यानी पका लेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्याज को करीबन 2 से 3 मिनट के आसपास तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। बाद में इसे चटनी हम यूज करेंगे। पीनट चटनी रेसिपी को बनाने के लिए अब हमें यहाँ पे लेना है एक मिक्सर ग्राइंडर जार, और जार में हमें यहाँ पे डालनी है मूंगफली। मूंगफली को डालने से पहले हमें इसका जो छिलका है उसे हटा लेना है। फिर हमें यहाँ पर मिलाना है प्याज, जिसे कि हमने पहले से मसालों के साथ फ्राई करके रखा था। फिर मैं यहाँ पे मिलाना है लाल मिर्च पाउडर। ये 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर मिलाया है। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलाना है अमचूर पाउडर। ये 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर मिलाया है। अमचूर पाउडर मिलाने से चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप अमचूर पाउडर की जगह पर एक नींबू का रस भी मिला सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर मिलाना है नमक। ये 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर नमक मिलाया है। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर मिलाना है पानी। ये 1/2 कप के आसपास मैंने यहाँ पे पानी मिलाया है। पानी को आप अपनी चटनी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिला सकते हैं। अब हम इसे कवर करेंगे और कवर करके इसे हम मिक्सर ग्राइंडर जार में थोड़ा सा दरदरा इसे हम पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पे मूंगफली की चटनी को मिक्सर ग्राइंडर जार में दरदरा करके पीस लिया है। तो अब हम मूंगफली की चटनी के लिए तड़का बनाना शुरू करते हैं। और तड़का बनाने के लिए अब हमें यहाँ पर लेना है एक पैन, और पैन में हम 1 बड़े चम्मच तेल को अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर हमें यहाँ पे डालना है 1/2 चम्मच काली सरसों। उसके बाद हमें यहाँ पे डालनी है 5 से 6 करी पत्ता। फिर हम यहाँ पे डालेंगे 2 सूखी हुई लाल मिर्च, जिसे मैंने तोड़ के डाला है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर 40 से 45 सेकेंड तक इसे हम भून लेंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आप चाहें तो इस तड़के को चटनी के ऊपर से डाल सकते हैं, या फिर आप पीनट की चटनी को इस तड़के के ऊपर से मिला सकते हैं। तो हम यहाँ पे चटनी को तड़के के ऊपर से मिलाने वाले हैं। तो चटनी को हम तड़के के ऊपर से इस तरीके से मिला देंगे। साथ ही हम जार को धोने के बाद जो पानी बचता है उस पानी को भी यहाँ पर मिला देंगे। लेकिन एक बात का हमें यहाँ पर ध्यान जरूर देना है, हमें यहाँ पर एकदम ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है। अब हम तड़के के साथ पीनट की चटनी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करते हुए इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से लगातार चला लेंगे। लेकिन एक बात का आप ध्यान जरूर दें, इस स्टेज पर आपका गैस जो है वो बंद होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स ये हमारी पीनट की चटनी अच्छे से बनके तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरीके से आसानी से इस पीनट चटनी रेसिपी को घर पे बना सकते हैं। आपको मेरा पीनट की चटनी बनाने का तरीका कैसा लगा आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही फ्रेंड्स रेसिपी अगर अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और डिलीशियस रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।